हेलो एवरीवन, हाय, आई एम स्वाति सिंगला और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कर्नाटका पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में। गवर्नमेंट जॉब है और 4000 वैकेंसीज अवेलेबल है। बॉय है, गर्ल है, एनीबॉडी कैन अप्लाई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हाउ टू अप्लाई, सैलरी एट्सेट्रा, एवरीथिंग। तो इस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एज से। एज जो इन्होंने मेंशन की है, दैट इज 19 to 25 years भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स 19 years or 25 years और इनके बीच में अगर आपकी कोई एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है। तो अगर आप 12th पास हैं तो मोर देन इनफ। 12th अगर CBSE बोर्ड है, SSC है, ICSE है, एनी काइंड ऑफ बोर्ड अगर आपने कहीं से भी क्लियर किया है 12th, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एज का आया है ऑलरेडी मेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस 2 steps में होगा। आप पहले फॉर्म फिल करेंगे। आई प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू अप्लाई देयर। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक पर अप्लाई करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद, रिटर्न टेस्ट प्लस एंड्योरेंस टेस्ट, 2 tests होंगे यहाँ पर। उनके बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होंगे और तब आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर। सेकेंडली, एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है? एंड्योरेंस टेस्ट होता है आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें कि आप फिजिकली केपेबल हैं इस पोस्ट के लिए के नहीं, वो चीज़ चेक होती है। अब उसमें क्या इंक्लूड होता है? आपका फिजिक चेक किया जाता है, आपकी हाइट, वेट, आपका चेस्ट साइज एक्सेट्रा। सेकेंडली, आपसे एक्टिविटीज़ करा के देखी जाती है, जैसे शॉर्ट पुट, लॉन्ग पुट, हाई जंप, शॉर्ट जंप, इस टाइप की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो इनके बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 steps में है, रिटर्न टेस्ट प्लस एंड्योरेंस टेस्ट। सेकेंडली, मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जो ये एंड्योरेंस टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए अलग रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ पर डायरेक्टली जाकर सारी डिटेल्स एक बार फिर चेक कर सकते हैं। आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ चेक कर लीजिए। और इस लिंक के थ्रू आप इस पोस्ट के लिए सारी डिटेल्स को ईजिली चेक कर सकते हैं और वहीं से आप ईजिली अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी, वो रहेगी 25th June। सो 25th June इज़ द लास्ट डेट फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। नाउ द लास्ट पार्ट इज सैलरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सैलरी जो इधर मेंशन है, दैट इज़ 23,500 to 47,000। तो इस बैंड के बीच में इस पोस्ट के लिए सैलरी रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कॉन्स्टेबल जॉब। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने जो बताया है वो जनरल है, जनरल कैटेगरी के लिए है। तो आप इस लिंक के थ्रू वो डिटेल जो है बाकी का सब चेक कर सकते हैं। फॉर्म जो रहेगा उसकी कॉस्ट अराउंड 400 है, दैट इज़ 2 फॉर द जनरल कैटेगरी ओनली। आप बाकी की कैटेगरीज के लिए भी इस लिंक पे जाकर फॉर्म की कॉस्ट को चेक कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस जॉब ओपनिंग। आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, इस लिंक के थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू वैकेंसी। टिल देन, नमस्ते।